We have dealt with equilibrium earlier, but we have dealt with only translational equilibrium. So equilibrium दो type का होता है, एक है translational equilibrium, कब होता है? जब summation fx 0, summation fy 0, summation fz 0 होता है. मतलब net force along the x axis, y axis and z axis, तीनों axis में net force, तब वो क्या इक्विलिब्रियम होता है? हाँ, इक्विलिब्रियम रोटेशनल भी होता है. रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो होता है. अब यहां पर हम लोग सिर्फ प्लेनर टॉर्क से ही डील करते हैं, इसलिए एक्स एक्सिस में ही जीरो ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में समेशन टाउ जो है वो भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट में हो सकता है. इन 3D मैकेनिक्स लाइक रोबोटिक्स यू नीड टू डील विद ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोथ अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. नॉट ओनली रोबोटिक्स, इवन कार डिजाइन, बस डिजाइन, ट्रांसपोर्ट डिजाइन, वी हैव टू डील विद ऑल द 3 एक्सिस ऑफ इक्विलिब्रियम. बट फॉर अस क्लास 12 क्लास 11 वी हैव ओनली रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट एनी वन एक्सिस एंड सम ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट दैट एक्सिस शुड बी जीरो. अब थ्योरी से हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, एक सम करते हैं और उसे समझते हैं. ओपन अप द असाइनमेंट ऑन रोटेशनल मैकेनिक्स और कुछ पहले रोटेशनल मैकेनिक्स वाला असाइनमेंट करें सब लोग. गुड बॉय. अच्छा, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखेंगे जिसमें मोमेंट एक्चुअली नहीं है. छोड़ दो क्वेश्चन नंबर 4, छोड़ दो 5 देखो. 5 क्वेश्चन नंबर 5 लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, सिर्फ ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ये है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये है, बस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ये वाला और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ये वाला. इज दैट क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? एक बार ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 5 बोला, अ रॉड ऑफ मास 4 केजी इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय टू सपोर्ट्स एट द टू एंड्स. A load of 6 kg is suspended at a distance of 1 by 4 of its length from one of the end of the rod. Calculate the force acting on the two supports. मतलब ये एक rod है, ठीक है? Uniform rod है और ये दो support के ऊपर rest कर रहा है. They are supporting on, मतलब resting on two supports. कोई भी uniform rod का total जो weight होता है वो कौन सा point से act करता है? Kilos, right? Because center of gravity will be center of mass same जगह में होगा और उसका weight total weight यहाँ से act करता है. अब बोला हुआ है कि एक end से rod का एक end से 1 by 4 distance पे एक weight hang किया गया है. वो कितना है weight? 6 kg का, right? तो मान लो यहाँ से 1 by 4 ना, तो 1 by 4 तो भी somewhere वही है. और ये जो वेट अपना है वो कितना बोला है? 4 केजी. मतलब इसका जो वेट है वो 40 न्यूटन है. समझ आ रहा है क्यों हम न्यूटन लिख रहे हैं, क्यों केजी में नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि केजी मास होता है और वेट जो मतलब फोर्स जो आता है वो वेट होता है, इसलिए इनटू जी करके लिख रहे हैं. डाउट समझ आ रहा है? अब क्या पूछा गया है कि ये जो दो पॉइंट जो सपोर्ट कर रहा है वो दो पॉइंट कितना फोर्स इसके ऊपर डाल रहा है. ऑब्वियसली ये ऊपर वाला डायरेक्शन में फोर्स देगा ना, सपोर्ट कर रहा है मतलब वो गिर ना जाए, इसके सपोर्ट कर रहा है. तो मान लो ये वाला पॉइंट में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 है और ये वाला पॉइंट में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 है. तो हम लोगों का काम क्या है? ये N1 और N2 निकालना, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? पहले फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्या डील करेंगे? क्या पढ़े हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का? सम ऑफ फोर्सेस जीरो होगा, क्योंकि यहां पर देखो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन. तो क्या इक्वेशन बनाएंगे हम? n1 + n2 अपनी समेशन fy 0 होगा, मतलब n1 + n2 हम माइनस 60 माइनस 40 इक्वल्स, ठीक है? तो
यहाँ पर n1 और n2 के लिए एक इक्वेशन आएगा इक्वल टू 100 इक्वेशन 1. द नेक्स्ट इक्वेशन विल बी गिवन बाय मोमेंट मतलब द टॉर्क. ठीक है, अब जब भी हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करते हैं पहले हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन डिटरमाइन करना पड़ता है बिकॉज़ उसके अबाउट में ही टॉर्क कैलकुलेट करेंगे. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर तुम कोई भी जगह में ले सकते हो एनी प्लेस यू फील लाइक कोई भी पॉइंट यू फील लाइक. जनरली वी टेंड टू टेक द एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू दैट पॉइंट थ्रू विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस आर एक्टिंग. क्लियर है, जब भी इक्विलिब्रियम का सम रहेगा हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां चूज करेंगे जहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ. तो यहाँ पर देखो सिर्फ दो ही अलग अलग पॉइंट है जिसमें एक एक फोर्स ही है तो ये दो पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट को तुम ले सकते हो एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, सो लिखो टेकिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अराउंड द लेफ्ट हैंड ऑफ द रॉड. हाँ, पहले ये लिख लो उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पर टेकिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट लेफ्ट हैंड पहले खुद से मेंशन कर लेना पड़ता है कि अबाउट ये वाला पॉइंट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करें उसके बाद टॉर्क कैलकुलेट करें. ठीक है, तो हमको हम जिसका जिसको क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ वही आंसर देगा. ठीक है, वीरू हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से चूज कर रहे हैं लेफ्ट एंड ऑफ हां मतलब ये वाला पॉइंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन. समझ आया, अब ये वाला पॉइंट में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके लिए 60 न्यूटन फोर्स कितना टॉर्क क्रिएट करेगा. टॉर्क कैसे निकालते हैं हम लोग आर क्रॉस एल मतलब आर एल साइन है ना. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां है फोर्स यहां से एक्ट कर रहा है तो आर क्या कितना है आर क्या होता है व्हाट इज आर. सब किए थे ना लास्ट क्लास हम लोग सम्स टॉर्क का. आर क्या होता है व्हाट इज आर इन टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एल. आर क्या होता है आर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो फोर्स जहां लगा रहे हैं वो डिस्टेंस. क्या है आर हाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये फोर्स जहां लगा रहे हैं ये वाला डिस्टेंस. तो ये पूरा लेंथ अगर एल होगा तो कितना होगा बताओ टॉर्क. न्यूटन किसका यूनिट होता है बढ़िया. तो इतना देर लगा न्यूटन फोर्स का यूनिट क्या है वो तो 60 न्यूटन फोर्स के लिए हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं ना. तो ये एफ का वैल्यू कितना हुआ तो आर का वैल्यू क्या लिखेंगे आर का वैल्यू आर 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 क्या होता है अभी क्या बोले आर क्या होता है हाँ तो वो कितना है यहाँ. अरे बढ़िया L by 4, 60. उसके बाद साइन थीटा भी है तो ये L by 4 और F के बीच में एंगल कितना बना है. अरे वाह तो ये थीटा 90 डिग्री हुआ. दूसरा दिमाग में दाग निशाने से नहीं चलेगा. इधर देखो ध्यान से तो अब बताओ ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा या एंटी एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव. तो इसीलिए इसको माइनस एल बाई फोर इंटू 60 इंटू साइन 90 लिख रहे हैं. आया समझ में. अब सेम चीज से सोच के बोलो ये 40 न्यूटन फोर्स कितना टॉर्क प्रोवाइड करेगा. अच्छा तुम बोलो तुम नहीं बोलेगा राहुल बोलेगा. राहुल बोलो सर एल बाई टू इंटू 40
वेरी गुड, लेकिन वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? कितना क्या क्या फोर्स काम कर रहा है बता, वो तो नीचे एक्ट कर रहा है,
अभी लेना है, अभी फोर्स लेना है ना, पहले फोर्स का इक्वेशन बनाना है। तो क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है जल्द से बताओ, 250 और 100 नीचे एक्ट कर रहा है, और ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ये एनए और एनबी क्या है? इक्विलिब्रियम हम लोग लेंगे एनए प्लस एनबी, एनए प्लस एनबी माइनस 250 माइनस 100 इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन वन आया, बाकी समझ आया सोनी? और फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या आएगा? अरे यार आर क्रॉस एफ सबके लिए करना पड़ेगा ना, अबाउट विच पॉइंट? सो अबाउट ए, सो हम लोग मेंशन कर रहे हैं अबाउट ए मतलब वो एक्सल रोटेशन, ठीक है। अब क्या होगा, 250 न्यूटन कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? 150 समझ आया? अब उसको सॉल्व करके कितना मिल रहा है बोलो? इक्विलिब्रियम का सम्स कैसे करना है समझ में आया? लेकिन यहाँ पर सब जगह में दो सिचुएशन में ही जो फोर्सेस थे ना वो सारा फोर्सेस अलोंग वन डायरेक्शन, अगर फोर्सेस वन डायरेक्शन में नहीं होते हैं मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में ही होते हैं, तब ये जो फोर्स के लिए एक इक्वेशन बना है ना, ऐसे हम लोगों को दो इक्वेशन बनेंगे, क्योंकि एक एक्स एक्सिस के लिए बनेगा एक वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से एक बार देखिए। Thank you.
क्योंकि लैडर नीचे स्लाइड करेगा ना, तो फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करेगा, क्लियर? सो दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग. अब हम लोग इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है? पहला बेसिक दो इक्वेशन बना लेते हैं. F1 जो है वो म्यू इनटू N1 है एंड F2 जो है वो म्यू इनटू N2. यू ऑल नो दिस. हां यार, अब फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम along x-axis. Sachin बताएगा मुझे क्या क्या forces देंगे for translational equilibrium along x-axis. क्या क्या equation लेंगे? x-axis में n2 है और f1 है. n2 है और f1 है, बढ़िया. is equal to 0 होना पड़ेगा. n2 minus f1 should be equal to 0. और f1 का value क्या निकाले हम लोग? mu का value दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 0.5. 0.5 n1 0.5 n2. F2 भी तो फोर्स है ना, उसका भी मोमेंट एक्ट करेगा.
अरे यार ये क्या सर में कौन बैठा हुआ है सर साइन 90 होगा 90 डी प्लस की बात है ये ऐसे कंप्लीट करेगा ना और हम लोग ऑलवेज एक्यूट एंगल लेते हैं सिखाए थे ना दो एंगल होता है ऑब्ट्यूस एंगल एक्यूट एंगल हम लोग एक्यूट एंगल लेते हैं तो यहां पर एक्यूट एंगल ये है ये आर है और ये एफ है दोनों के बीच का एंगल ये वाला है सो दिस इज 90 डिग्री माइनस सो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करेगा क्लॉकवाइज माइनस 3 इनटू एफ टू एफ टू मतलब 0.5 एन टू अच्छा एफ को लिखते हैं यहां पर सिंबल को कंफ्यूज हो जाएंगे साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा अब बताओ किसका क्या दिक्कत है किसको कौन सा पार्ट समझने में दिक्कत है बताओ समझ आया इज इक्वल टू 0 होगा समेशन टॉप इक्वल टू 0 अब यहां पर हम लोग सिंपलीफाई करेंगे तो 15 दूना कितना 30 300 हो ना cos थीटा राइट माइनस 3 n 2 n तो निकल जाएगा ऊपर से sin थीटा माइनस अब करना क्या है देखो कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को पहले इन दोनों से सॉल्व करके ना सॉल्व फॉर एन वन एंड फिर ये एन टू का वैल्यू इधर डालना है और हम लोग cos थीटा और sin थीटा एक साइड में cos थीटा रखना है एक साइड में sin थीटा लेके जाना है फिर cos थीटा sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा निकल जाएगा सो फाइंड tan थीटा यहां से tan थीटा कितना है वो निकालना है सो tan थीटा निकल जाएगा तो थीटा हम लोग कैसे निकालते हैं इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस वन tan इनवर्स ऑफ दिस वन तो वो होगा F2 के लिए ना तो F2 का लाइन कौन सा है ये वाला लाइन और यहां से डिस्टेंस r ये है तो इन दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल है मतलब जो छोटा वाला एंगल है वो लेना हां बताओ कौन सा ये कैसा है इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद sin थीटा को एक साइड में लेके जाएंगे cos थीटा वाला टर्म एक साइड में फिर tan थीटा निकल जाएगा रास्ते से सिंपल सा बात है n1 n2 पहले सॉल्व किए एक बार किया है वो n2 का वैल्यू इधर डाल देंगे डाल के फिर सॉल्व करेंगे ठीक है ये सॉल्व करके मुझे बताना आंसर क्या आ रहा है अभी मत करो ऑलराइट